आज फिर हम आपके सामने हैं नई पोयम लेकर। पोयम कहो, लेख कहो, कुछ भी कहो, ये तो हमारे विचार हैं और ये विचार हमें आपके लोगों से मिलते हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सुबह के टाइम मैंने ये रचना लिखी है तो मैं रचना देख रहा था, उसका मूल मंत्र जो था, किसी ने ये कहा कि एक सोशल मीडिया पे जो लिख रहा था यहाँ पे राम और हम पूरा लिख रखा था, सीने के ऊपर हनुमान जी ये सब बना रखा था, उनको छपा रखा था उसने। तो उसने कहा कि हिंदुत्व की बात कराएगी, अब हिंदुत्व आना होगा। लेकिन अभी दुर्भाग्य क्या है कि इस हिंदुत्व के ऊपर किसी एक विशेष दल का कब्जा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो जो दूसरा पक्ष होता है, विपक्ष होता है, वो कहता है क्या है राम उन्हीं के, लेकिन उन्होंने राम पे भी कब्जा कर लिया। आपने देखा वो समय पहले कब्जा जिसे कहना कब्जा, किसी ने अम्बेडकर पर कब्जा कर, हमारे इन महान पुरुषों पे लोकवाद करने लगे हैं कब्जा, हमारे इन महान पुरुषों पे लोकवाद करने लगे हैं कब्जा। तो मैं उसी कब्जे पे बात करूं, अब बात आ रही है हिंदुत्व की, किसी ने गांधी पे कब्जा किया था, जितने साल राज किया, हमारा की संस्कृति है कि आप उन महान नेताओं के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, महान शख्सियत पर कब्जा कर लेते हैं। तो अब एक विशेष राजनीतिक दल, हालांकि सब समझ रहे हैं बीजेपी को, कि ऐसा महसूस हो रहा है दूसरे पक्ष के हिसाब से सोचो, यार इन्होंने राम राम पे कब्जा कर लिया, हिंदुत्व पे कब्जा कर लिया और इसी के ऊपर वोट लिए जा रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं उन्होंने एक मापदंड खींचा है, एक आयाम खींचा, आप उससे बड़ा आयाम क्यों नहीं खींचते। तो मैं आह्वान कर रहा हूँ विपक्ष का और सभी राजनीतिक दलों का, उसको मैंने पूरे रूप में बोला है, सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को अब हिंदुत्व की डगर पर चलना होगा। अब लोगों की नब्ज यदि आप समझ रहे हैं, हमारे मोदी जी है बड़े छाए हुए हैं, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं और हम भी उनकी इस बात के कायल हैं। हम उनसे कह रहे हैं आप उनसे सीखो कि वो कैसे लोगों को अपने मोह बास में करते हैं। तो आप भी करें, एक ही बात बोलनी होगी आपको, हे कांग्रेसियों, हे विपक्षियों, हे अन्य अन्य सभी लोगों, सिर्फ इतनी सी बात कर दो यार, तुम बात हिंदुत्व की कर दो यार, उसको करो, आगे बढ़ो। देखिए खैर हम मूल रचना पे आते हैं, सभी राजनीतिक दलों को अब हिंदुत्व की डगर पर चलना होगा, ये नब्ज है, अब हिंदुत्व की डगर पर चलना होगा, छोड़ना होगा इस छग्म धर्म निरपेक्षता, छोड़ना होगा इस धर्म छग्म धर्म निरपेक्षता जो हमने जब संविधान बनाया कॉपी पेस्ट कर दिया और उस हिसाब से कर रहे हैं। तो छग्म धर्म, अरे सीधी सीधी बात करो ना यार, धर्म की बात करो, बात लिखते हो कि हम छग्म धर्म निरपेक्षता की, करते हो बात दूसरी, छोड़ना होगा इस धर्म छग्म धर्म निरपेक्षता को, अपनाना होगा राम राज को, मानस जीवन राम राज की कल्पना, जिसके लिए वोट मिला है आपको वह राम राज। राम राज क्या है? हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है? राम राज। राम राज एक इसलिए नहीं कि हिंदुओं के लिए हो, हिंदुत्व के लिए राम राज है, राम राज सब मजहब के लिए। तो मैं उसी के बारे में भाषा बोल रहा हूँ, आप हमारे इन शब्दों को एक एक करके आप देखना, उसकी गहराई देखना, मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ। और यदि आप इसको मंथन करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी ये लोगों के अंदर जागृति क्या हो रही है। अपनाना होगा राम राज को मानस जीवन में, वो जिसके लिए वोट मिला है, अपनाना होगा राम राज को मानस जीवन में। राम हमारे राजा, पूर्वज इस धरा के हर नागरिक, इस धरा पे रहने वाला हर नागरिक जो भी है वह उनके पूर्वज है। राम हमारे राजा, पूर्वज इस धरा के हर नागरिक के, इस धरा के, हमारी पृथ्वी जो हमारा भारत है, जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे, उस पृथ्वी पे जितने भी नागरिक उन सबके पूर्वज हैं। राम हमारे राजा, पूर्वज इस धरा के हर नागरिक के। आपने देखा हो मनुष्य इंडोनेशिया वगैरह में जाओ, वहाँ रामायण होती है, मुसलमान लोग हैं करेक्टर कर रहे हैं और बड़ा रामचरित मानस है, क्योंकि राम उनकी जीवन की धरा है, उनके पूर्वज हैं। तो राम की वो बात करते हैं, राम का चित्रण करते हैं, राम एक आदर्श पुरुष थे, इसके लिए बारे में चल रही है। राम हमारे राजा, पूर्वज इस धरा के हर नागरिक के। संविधान लिखा हजारों वर्ष पूर्व इस जगत का, संविधान लिखा हजारों वर्ष पूर्व इस जगत,
ऐसा अनोखा संविधान, आपने देखा वो संविधान है, लिखने की जरूरत पड़ी, उन्होंने तो वो संविधान राम ने लिख के दिया, जिसको रामचरितमानस के हर करेक्टर, राजा को क्या होना चाहिए, आदर्श पुरुष क्या होना चाहिए, आदर्श पत्नी क्या होना चाहिए, आदर्श पति का रूप क्या होना चाहिए, हर करेक्टर को उन्होंने निभा के दिखाया है और जन जीवन के अंदर संविधान को निरूपित किया है। हम उस संविधान की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लिखित रूप में नहीं है, व्यवहारिक रूप में जन जीवन के अंदर मौजूद है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। हम किसकी बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करेंगे, कहीं करेंगे कि साहब संविधान की ये धारा वो धारा, वो आने इस रिसर्च स्कॉलर ने लिखी इसने, अरे यार जो हमारे हजारों वर्ष पूर्व हमारे साहित्य में मौजूद है उसकी बात क्यों नहीं करते। राम हमारे राजा पूर्वज इस धरा के हर नागरिक के, संविधान लिखा हजारों वर्ष पूर्व इस जगत का। हमारी संस्कृति इतनी गहन, फिर भी लेते ज्ञान उन अधकचरों से, उनके मजहब से, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति इतनी गहन, फिर भी लेते ज्ञान उन अधकचरों से, उनके मजहब से। शिक्षा की हर किताब में मिलता प्रथम अधिकार उन अंग्रेजों को। आप देखो कोई किताब, कोई इकोनॉमिक्स बोलो, सिद्धांत उस फला फला ने एले फैले ने लिखा, किसी टैले ने लिखा, किसी ने केले ने लिखा, अरे यार तुम्हारे हमारे मुनि वगैरह संविधान इकोनॉमिक अर्थशास्त्र सब लिख गए, उनकी बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उसको रूरल संस्कृति में ओरल लिख दिया, रटा दिया, छुटिया वो बांध मान दिए उसको रटा दिया। शिक्षा की हर किताब में मिलता प्रथम अधिकार उन अंग्रेजों को। हमने क्यों कब किस मजबूरी में अपनाया उल्टा सीधा ये संविधान उनका, कुछ टुकड़ा। आपने मालूम होगा कि हमारा संविधान होना है कॉपी पेस्ट से बना है, तमाम लोगों के मां से बना है, कुछ टुकड़ा इनका कुछ टुकड़ा उनका अपनाया क्यों है उनका। हम एक प्रश्न पूछ रहे क्यों अपनाया भाई, हमारे पास इतनी संस्कृति है, इतनी संस्कृति। आपने देखा होगा जिन देशों ने तरक्की करी है उन्होंने अपनी भाषा को मूल बनाया, उन्होंने चाहे चाइना हो चाहे रसिया हो, उन्होंने कभी अंग्रेजियत को नहीं माना, भले ही वो गुलाम रहे उन्होंने अपने संस्कृति को नहीं माना। जर्मन है वो संस्कृति के पीछे दीवाने हैं, वो संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को उस हिसाब से नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमारे अंदर ये ऐसी कौन सी भाषा आ गई कि हम अपनी संस्कृति की बात क्यों नहीं करते। तो हमने क्यों कब किस मजबूरी में अपनाया उल्टा सीधा ये संविधान उनका, कुछ टुकड़ा इनका कुछ टुकड़ा उनका, अपनाया क्यों है उनका। जब हर युक्ति मिलती हमारी सनातन संस्कृति, अरे एक से एक ब्राह्मण, एक से एक पंडित चाणक और वो थे और उनके अंदर स्वास्थ्य चलता था, तो हमने उनको क्यों नहीं अपनाया, उनकी नीतियों के हमने इतने बड़े बड़े साहित्य लिखे हैं, हमने उनकी भाषा नहीं मनाई। अब जब खेल जन जीवन में खुल गया है, अब जब आज की मैं भाषा बात कर रहा हूं, अब जब खेल इस जीवन में इस युग के अंदर खुल गया है, ये सबको मालूम पड़ेगा कि यार इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया है और हम हर देखिए यहाँ पे अर्थ बिल्कुल देख लो, समझ लो आप, हर बंदा बोल हर हर महादेव रा। अब इसका अर्थ यह है कि अब जब खेल जन जीवन में खुल गया, इन सबके अंदर जागृति हुई हो, हमारे साथ हमारी संस्कृति को जानबूझ के दबाया गया है, चाहे फिल्मों के माध्यम से चाहे संस्कृति में, तो ये मेरी इस योजना इस रचना के माध्यम से मैं लोगों को जागृत कर रहा हूं, अब आओ उठो। तो ये एक शब्द जब हर हर की बात करते हैं, हर हर महादेव की बात करते हैं, सीधा चैतन्य होता है कि आदमी को सीधा करंट लगना चाहिए, उसके दिमाग में चैतन्य होना चाहिए, हर हर बंदा बोल हर हर महादेव रहा है। तू कौन, राजनीतिक दलों को मैं कह रहा हूं, तू क्यों अब चुप है, तू भी बना इस माटी से है, तू क्यों अब चुप है, तू भी बना इस माटी से है, तू क्यों लिपटा उनकी मानसिक गुलामी से। अबे राजनीतिक दलों के चमचों खमचों,
गमछों है क्यों चिपका है तू, काय के लिए लिपका हुआ उनके साथ, अरे उन्हें मजबूर कर अपने राजनीतिक दल को। मैंने क्या बोला, चमचों गमछों और क्या है, चमचों गमछों जो भी है, तू क्यों लिपटा उनकी मानसिक गुलामी में, निपटा दे हर दल को, ले आ हर दल को श्री प्रभु राम के चरणों। अरे बीजेपी को क्यों, कांग्रेस को क्यों, दूसरे तो लोगों क्यों नहीं, उनको प्रभु राम के चरणों में ला, निपटा दे हर दल को, ले आ हर दल को श्री प्रभु राम के शरण। राम हर मानस के हैं, एक दल के नहीं है, राम हर मानस के हैं, किसी दल के धर्म मजहब के धरोहर नहीं। किसाब हिंदुओं के हो किसी के हो, ये बहुत बड़ी बात समझ लो आप, राम हमारे पूर्वज थे, राम ने संस्कृति बनाई, और किसी दल के धर्म मजहब के धरोहर नहीं, कोई एक दल नहीं। अब हर दल हर मजहब बोलेगा, क्या बोलेगा, हर हर महादेव बोलेगा, हर मजहब बोलेगा, प्रभु राम हमारे अपने हैं, जैसे हर पुत्र को मिले भरपूर प्यार दुलार अपने पिता, जैसे प्रभु राम हमारे अपने हैं, जैसे हर पुत्र को मिले भरपूर प्यार दुलार अपने पिता, जो तुम इन दलों को मजबूर कर दोगे। अब मैं जनता से कह रहा हूं, जो तुम, जो इनके चमचे गमछे फमचे हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि जो तुम इन दलों को मजबूर कर दोगे, प्रभु राम राज स्थापित हो जाएगा, राम राज आ जाएगा, सतयुग है सतयुग है ये छा जाएगा। तू कर कामना प्रभु राम की, तू कर कामना प्रभु राम की, हर जीवन में आदर्श प्रभु का छा जाएगा, हर जीवन में आदर्श प्रभु का छा जाएगा। आज दिनांक 2 अगस्त 2022 को ये मैंने रचना शुरू की, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।